आईपीएल 2024 के पहले मैच की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। इस सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 22 मार्च को खेला जाएगा, यानी कि इंतजार खत्म हो गया है। महज 3 दिन अब बीच में बचे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन की ओपनिंग सेरेमनी भी 22 मार्च को ही होगी। सीएसके और आरसीबी के मैच की सबसे सस्ती टिकट जो रखी है वो 1700 रुपए की है, लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। सीएसके और आरसीबी के मैच के टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए पेटीएम इनसाइडर या फिर बुक माई शो पर आप विजिट कर सकते हैं। चेन्नई और बैंगलोर के मैच की सबसे सस्ती टिकट 1700 रुपए है। ये मुकाबला चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लिहाजा 1700 रुपए वाले टिकट सी लोअर, डी लोअर और ई लोअर सेक्शन की होगी। हालांकि 1700 से 4500 रुपए तक के टिकट इन 3 सेक्शन के साथ साथ आई हैं। जे और के सेक्शन भी होगी। ये कीमत पर निर्भर करेगा कि किसे कौन से टिकट मिलेगी। टिकट का दूसरा प्राइस रेंज 4000 से 7500 रुपए तक का रखा गया है। यह अपर सी, डी, ई और आई, जे, के सेक्शन का है। इसके अलावा वीवीआई टिकट्स भी हैं, लेकिन वो अब उपलब्ध नहीं हैं। पेटीएम इनसाइडर के मुताबिक एक व्यक्ति जो 2 से ज़्यादा टिकट नहीं खरीद सकता, वही बुक माई शो ने टिकट की बुकिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। टिकट खरीदने को लेकर कई नियम भी हैं। आप एक साथ 2 ही टिकट खरीद सकेंगे। पेमेंट मोड अपनी सुविधा के मुताबिक आप चुन सकते हैं। इसके साथ ही एक बार टिकट सेलेक्ट करने के बाद 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर 7 मिनट में टिकट का पेमेंट नहीं हुआ तो वो कोर्ट से पूरी तरह से हट जाएगी। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता था। उसके फाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराया था। अब वो एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आईपीएल का क्रेज एक बार फिर से आईपीएल के जो चहेते हैं उनके बीच देखा जा सकता है।